हेलो सामकुम एवरीवन, होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जा रही हूँ गीगा मॉल फॉर शॉपिंग, और आप देख सकते हैं हम गीगा मॉल पहुँच चुके हैं। हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि खादी, एथनिक, सफायर, चारकोल एंड बॉडी शॉप। इस वीकेंड तकरीबन सब ब्रांड्स पे सेल लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि हम एक बार विज़िट कर लें। और हम आगे गीगा मॉल जहाँ पे तकरीबन सारे ही ब्रांड्स हैं, काफ़ी रश था यहाँ पे। एथनिक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स, और अब हम एथनिक के अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये उनके डिफरेंट फ्यूजन टॉप्स हैं जो कि स्मॉल टॉप्स हैं, और आप इनको जीन्स के साथ या ट्राउज़र के साथ, टाइट के साथ कैरी कर सकते हैं। इनके पास इसमें काफ़ी वैरायटी होती है। और हम जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एथनिक के ऊपर। एथनिक पे 30% फ्लैट ऑफ था, और शॉप जो थी अभी आप देखेंगे इट वाज टोटली जाम पैक्ड, काफ़ी रश था यहाँ पे। फैमिलीज और लड़कियाँ काफ़ी आई हुई थी। गीगा मॉल में जो एथनिक की आउटलेट है वो काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी रादर देन बाकी जो इनकी शॉप्स हैं। एथनिक के पास काफ़ी खूबसूरत और डिफरेंट मल्टी कलर के और 3D प्रिंट वाले ये दुपट्टे और स्कार्फ भी अवेलेबल हैं। पे आपको काफ़ी ट्रेंडी कपड़े मिल जाते हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा जो सेक्शन है ये फ्यूजन टॉप्स और इनकी एक और कलेक्शन है जो कि सिर्फ टीनेज या गर्ल्स के लिए हैं। मुझे जो कपड़े पसंद आए थे उनमें से मैंने एक पिक किया था, ये वाला ग्रीन जिसके बॉर्डर पे कट वर्क का काम हुआ था और उसमें पर्ल्स लगे हुए थे, काफ़ी खूबसूरत थे, सीक्रेट कलर था। और ये टॉप है ब्लू कलर का। इसके अलावा मुझे ऑरेंज भी काफ़ी पसंद आया। आई पिक दीज टू कुर्ताज एज वेल, जिसके अंदर एक जो था वो डेनिम के ऊपर था और डेनिम कॉटन के ऊपर, और इसके स्लीव जो थे वो ऑर्गेन्जा के बने हुए थे और दूसरा कॉटन ऑरेंज कलर में था। सेल के दौरान ये लोग अपने ट्राई रूम्स बंद कर देते हैं तमाम ब्रांड्स, तो आई ट्राइड देम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये ऑरेंज भी काफ़ी अच्छा कुर्ता था, बट ये बहुत ही बैगी स्टाइल था। प्रीवियसली मैं बहुत बैगी स्टाइल के कुर्ते ले चुकी हूँ, इसलिए अब आई अवॉइड देम। और लास्ट वन इज़ दिस शॉर्ट टॉप, ये भी बहुत क्यूट था। इसके अलावा इनके पास काफ़ी स्टिच वैरायटी भी होती है, और इनके सूट जो हैं 3 पीस, 2 पीस और 2 पीस तक हैं, 1 पीस नहीं है इनके पास। और इनके कपड़ों के ऊपर डिफरेंट इनके पास एप्लिक वर्क्स होते हैं जो उन्होंने साथ पैचेस रखे होते हैं। और इसके अलावा इनके पास काफ़ी ट्राउजर्स की भी वैरायटी है जो कि बॉर्डर्स और डिफरेंट कपड़ी स्टाइल्स के साथ हैं। आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल इनके पास कलेक्शन होती है हमेशा ही। जो सबसे अच्छे मुझे लगते हैं 3 पीस सूट वो एथनिक के पास होते हैं या फिर बोनेंजा और मौसमी के पास। ये आप देख सकते हैं ट्राउज़र। नेक्स्ट स्टॉप इज़ आइडियाज़, और अब हम आइडियाज़ के अंदर आ चुके हैं। इनके पास भी काफ़ी 3D और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट के कुर्ते होते हैं, 2 पीस, 3 पीस एंड 1 पीस। और ये ज़रा डल कलर्स में इनके पास भी कपड़े हैं एंड बहुत ही ब्राइट कलर्स में भी इनके पास हैं। इसके अलावा ये जेंट सेक्शन है जिसके अंदर उनके पास कुर्ते, शलवार कमीज, शर्ट्स एंड फॉर्मल शर्ट्स, टी शर्ट्स, दे ऑल हैव इट। और इनके ऊपर भी सेल लगी हुई थी 50% ऑफ की। इनके पास डिफरेंट सेल लगी हुई थी, इनके पास कई चीज़ों पे 50% ऑफ था और कईयों पे 20% और 30% था ऑफ। पर्सनली आइडियाज़ मुझे जो है वो सिर्फ होम जो है स्टफ़ उसके लिए पसंद है, क्योंकि इनकी बेड शीट्स, इनके कुशन कवर्स एंड क्विल्स काफ़ी अच्छी होती हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं स्पेशली इन सेल। जबकि मैंने आपको प्रीवियसली जैसे पिछले ब्लॉग में बताया, आई एम फाउंड ऑफ 3D प्रिंट्स, और इनके पास ज़्यादा जो हैं वो इसी तरह के कपड़ों के प्रिंट्स होते हैं 3D प्रिंट्स। बाकी इनके पास बैग्स की भी वैरायटी है, शूज़ की भी वैरायटी है, बट उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं हैं इनके पास। अब हम आगे हैं जे डॉट, और जे डॉट के परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। उनका एक परफ्यूम है 502 जो कि अभी मेरे ख्याल से साल पहले ही लॉन्च हुआ है, और वो काफ़ी उसकी अच्छी एंड लॉन्ग लास्टिंग स्मेल है फॉर लेडीज़।
और इनके पास से खुस्से अवेलेबल हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्यूट खुस्से थे 3D प्रिंट वाले, और उसके ऊपर उनकी एम्ब्रॉयडरी भी है और मिरर वर्क हुआ हुआ था। उसके अलावा इनके पास अनस्टिच कलेक्शन भी है, किड्स कलेक्शन भी है, प्रेटवेयर फ्रॉम कुर्ताज टू 3 पीस एंड 2 पीस भी है इनके पास, ये सारे प्रेटवेयर लगा हुआ है। और आगे जेंट्स के कुर्ते लगे हुए थे, जे डॉट के भी कपड़े काफी अच्छे होते हैं इन प्रेटवेयर, इनके कुर्तों पे काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। इसके अलावा इनके पास जो अनस्टेशन की कलेक्शन है उसके अंदर अगेन इनके पास प्लेन सूट्स भी हैं, एम्ब्रॉयडरी भी हैं एंड ऑर्गेन्जा के पैचेस वाले भी हैं। इनकी कलेक्शन हमेशा बहुत डिसेंट होती है। और ये उनकी किड्स वेयर टॉप्स हैं जो कि डिफरेंट ओकेजन्स पे, ईद पे या किसी शादी पर पहने जा सकते हैं। आप देख सकते हैं अनरखा स्टाइल एक उनका शॉर्ट टॉप है और उसके साथ चुन्नी वाला दुपट्टा है एंड ट्राउज़र। ये बहुत ही क्यूट ड्रेसेस थे एंड आई वॉज लुकिंग देम फॉर माई कज़न, कज़न की बेटी। और आप देख सकते हैं काफ़ी वाइब्रेंट और क्यूट से कलर्स हैं इनके पास। सो कोई मसला नहीं होना चाहिए ईद पे, अगर आपको बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं अभी तक और इमरजेंसी में आपको कपड़े बनाने हैं, देन जस्ट गो फॉर जे डॉट। जे डॉट से हमने ये दुपट्टा लिया और अब मैं जा रही हूँ करिश्मा पर। करिश्मा के पास जो है वो काफ़ी वैरायटी है इनके पास भी। इनके पास जो फॉर्मल प्रेटवेयर है वो काफ़ी खूबसूरत है, जैसे आप इस एक सामने डमी पे लगा हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप एक वाइट भी सामने देख सकते थे। ये सारा उनका अनस्टिच कलेक्शन लगी हुई थी विद सम स्टिच कलेक्शन। इनके पास ट्राउजर्स भी हैं, इनके पास डिफरेंट फॉर्मल वेयर, ये ज़रा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स भी हैं जो कि आप ईद वगैरह के फंक्शन पे पहन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत वाइट कलर का ड्रेस था, उसके ऊपर एप्लिक वर्क हुआ हुआ था, एम्ब्रॉयडरी भी थी और चिकन के ऊपर ये बना हुआ था सारा। इसके अलावा इनके पास काफ़ी जो कपड़े थे वो चिकन के ऊपर ही बने हुए थे, आजकल चिकन काफ़ी इन है। और इनके पास से फॉर्मल वेयर भी है फॉर वेडिंग वेयर, ये आप एक देख सकते हैं। ये एक लहंगा था मैक्सी स्टाइल और लहंगा बट एवर यू कैन से, और ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। और इनकी जो प्राइस रेंज थी वो अराउंड इस लाइन की आई गेस 30,000 थी विद टॉप, जो काफ़ी रीजनेबल भी है। और इसके अलावा ये जो इस तरह के सूट थे इनके फॉर्मल वेयर फॉर वेडिंग्स वगैरह, ये अराउंड 13,000-14,000 इस तरह थे। इनके पास काफ़ी वेराइटी थी इस तरह के फॉर्मल वेयर्स की जो आप आराम से टेंशन फ्री होकर आप यहाँ से लें और आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। ये उस वाइट में दूसरा कलर है, बहुत खूबसूरत था। इसके अलावा करिश्मा पे जो प्रेटवेयर फॉर गर्ल्स है उसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स थे जिनके ऊपर उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हुए थे। कुछ पे एम्ब्रॉयडरी थी और कुछ प्लेन पे उन्होंने डिफरेंट प्लेट्स और कट्स डाल के बनाए हुए थे, तो ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी खूबसूरत कपड़े होते हैं इनके पास। अब हम जा रहे हैं बोनांजा के ऊपर और यहाँ पे भी इन्होंने ऑफ लगाया हुआ था अपने अनस्टिच कलेक्शन के ऊपर। बोनांजा उस वक्त फ़िलहाल खाली थी बट जैसे जैसे शाम होती गई रश काफ़ी बढ़ गया था। एंड वाइल आई एम ब्लॉगिंग काफ़ी लोगों को इशू भी होता है कि आप वीडियो बना रही हैं, मे बी दे डोंट वांट देयर फेसेस टू कम और जस्ट दे डोंट वांट के वीडियो बनाई जाए कपड़ों की। इवन दो ऑल ऑनलाइन जो जितनी भी ब्रांड्स हैं दे हैव देयर ऑनलाइन स्टोर्स और सब कपड़े ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बट जो एक खुद से चीज़ देखकर और किसी को सजेस्ट करना या उसके बारे में कोई रिव्यू देना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये आप देख सकते हैं इन सारे कपड़ों के ऊपर ऑफ लगा हुआ था, वन स्टिच टू पीस एंड वन पीस टू पीस एंड थ्री पीस दे ऑल हैव इट। इसके अलावा बोनांजा के ऊपर परफ्यूम्स ही काफ़ी अच्छे हैं जो कि मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। ये बोनांजा के परफ्यूम्स हैं जिसमें से मुझे जो पसंद है पर्सनली दैट इज़ रोज़ गोल्ड। इसकी स्मेल काफ़ी फ्लोरल सी है, इट्स नॉट ऑल रोज़ सेंटेड बट बहुत अच्छा है। अब हम आगे हैं लाइमलाइट के ऊपर। लाइमलाइट के पास काफ़ी कलेक्शन है बैग्स की, वैलेट्स की एंड स्कैंचल्स, डिफरेंट टाइप के बैग्स।
और इनका कुछ प्रेटवेयर लगा हुआ है जिसमें फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कपड़े हैं। और जैसा कि मैंने एक पिछले ब्लॉग में बताया, ये जो है लाइमलाइट, इसके पास पहले जो थे वो डिफरेंट कट्स वाले कपड़े थे जैसे आप सामने देख रहे थे, और उन प्लेन शर्ट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी, मगर अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 3D प्रिंट्स अपने उसमें ले आए हैं। डिज़ाइंस इनके ऑलमोस्ट जो हैं 80% वो 3D प्रिंट होते हैं। इसके अलावा काफ़ी इनके पास आजकल बैग्स आए हैं स्मॉल क्लचेस, जो कि आप कैरी कर सकते हैं अगर आप किसी इवनिंग उसके ऊपर जा रहे हैं डिनर वगैरह पे, या जस्ट फॉर हैंगिंग आउट। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू काफ़ी मुझे खूबसूरत लगा। तकरीबन अब जितने भी सूट और ड्रेसेस मुझे पसंद आते हैं उन सब में ही ब्लू कलर है, बहुत ही ब्लू अट्रैक्टिव कलर है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही पतला सा, ये बहुत ही हल्की सी लॉन थी एंड ये उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके अलावा ऊपर एक मस्टर्ड लगा हुआ था, वो भी खूबसूरत था, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और इनके पास तकरीबन सभी डल कलर्स भी हैं, ब्राइट कलर्स भी हैं, आप जैसा देख सकते हैं। उसके अलावा इनके पास ये स्कार्फ्स थे जिसमें इसके अंदर सिल्क के स्कार्फ्स भी थे, नॉर्मल कॉटन के भी स्कार्फ्स थे या लॉन के, और डिफरेंट पैटर्न्स वाले स्कार्फ और सिल्क के स्कार्फ्स मुझे बहुत पसंद आए, स्पेशली द वन आई वाज होल्डिंग। Shein इज़ ऑल्सो अ गुड ब्रांड फॉर लेडीज हु वांट टू बाय 3-piece सूट्स या अनस्टिच कलेक्शन। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट पे भी ऑफ लगा हुआ था 30% फ्लैट, जैसा कि आउटफिटर्स और एथनिक पे भी लगा हुआ है 30% फ्लैट। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स जब एक ब्रांड पे सेल लगती है तो वो बाकी ब्रांड्स भी उन पे सेल लगा देते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं सारा वेस्टर्न वेयर पड़ा हुआ है, शॉर्ट टॉप्स एंड लॉन्ग कुर्ताज। इसके अलावा इनके पास काफ़ी स्कार्फ्स की भी वैरायटी है, कॉटन और डिफरेंट बॉर्डर और लेस के साथ इनके पास स्कार्फ्स काफ़ी थे। आजकल शिमर वाले और पर्ल्स वाले भी स्कार्फ्स काफ़ी इन हैं, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से या एथनिक से मिल जाएंगे वो। और ये सारा उनका ईस्टर्न वेयर था। इसके अलावा इनके पास अब वेस्टर्न वेयर जो है उसकी तरफ मैं जा रही हूँ, जिसके अंदर उनके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीन्स है। वैसे तो मैं वेस्टर्न टॉप्स नहीं पहनती, मगर मुझे टॉप अच्छा लगा तो मैंने ये ट्राई करके देखा। इनके पास काफ़ी सिल्क, नॉर्मल कॉटन, और इसके अलावा इनके पास जंप सूट्स भी थे। और आजकल काफ़ी आपको जैसा पता है चिकन इन हुआ है, तो सामने आप देख सकते हैं येलो कलर की एक चिकन की शर्ट लगी जो काफ़ी क्यूट थी। और आजकल येलो कलर बहुत इन हुआ है, येलो एंड ब्लू। इसके अलावा मुझे जीन्स अच्छी लगी, इसके एंड पे लेस लगी हुई है, और आजकल ये पर्ल्स वाली जीन्स भी काफ़ी ज़्यादा इन है। ये जीन्स अच्छी थी बट बहुत ज़्यादा टॉन थी। और एक लाइमलाइट के सामने एक दुबई का ब्रांड है, अनाता, इफ़ आई एम स्पेलिंग इट राइट, परफ्यूम्स, एंड ये उनकी शॉप है। ये सारे अरेबिक परफ्यूम्स थे, और अरेबिक परफ्यूम्स आपको पता होगा थोड़ा इनकी स्मेल जो है वो फ्लोरल सॉर्ट ऑफ होती है, इतर टाइप। अब मैं जा रही हूँ जनरेशन्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरेशन का जो बाहर से इन्होंने अपना डेकोरेट किया हुआ है, अपनी डिस्प्ले, वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी यूनिक सी है। इसके अलावा जो है जनरेशन इनके पास यूजुअली लॉन्ग लेंथ शर्ट्स होती हैं, इनके पास कुर्ताज, 2-piece एंड 3-piece स्टिच क्लोथ्स अवेलेबल हैं। और इनकी एक स्पेसिफिक थीम है जनरेशन की, दे ऑल हैव दीज प्रिंटेड क्लोथ्स, जो कि लुक वाइज मुझे जो ऐसे लगता है पर्सनली कि ऐसे लगता है पुराने कपड़े हैं। तो शुरू में मुझे बहुत पसंद था जनरेशन, बट अब आई डोंट लाइक इट दैट मच। एंड अगेन इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा 3D एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इनकी जो लॉन है वो कपड़ा मैं मानती हूँ, इनका जो लॉन का कपड़ा है कॉटन, वो बहुत ही पतला और खाड़ी का जो इनका कपड़ा होता है, दे यूजली हैव खाड़ी वेयर, एंड इनका कपड़ा बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही मज़े का नरम होता है। और इनकी जो प्राइस रेंज है वो कुछ हाई होती है देन द नॉर्मल ब्रांड्स। अब हम आए हैं स्टाइलो शूज़ पे। इनके पास भी काफ़ी वैरायटी है शूज़ की, फॉर्मल, कैजुअल एंड ओकेजनल वेयर। एंड इनके पास काफ़ी बैग्स भी अवेलेबल थे। इसके अलावा ये सारे वेडिंग वेयर हैं शूज़,
हम तो यहाँ पे कैजुअल वेयर देखने आए थे, जो कि मेरी सिस्टर अभी बैठ के देख रही है। आजकल ये कोल्हापुरी चप्पलें जो आगे से ओपन होती हैं काफ़ी, ना, और अब मैं आ गई हूँ बीच।